हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर की सिटी डिस्पेंसरी की बदलने लगी तस्वीर। बाड़मेर शहर में राजकीय अस्पताल के अलावा शहर के लोग अपने मर्ज के इलाज के लिए गांधी चौक स्थित सिटी डिस्पेंसरी से बरसों तक नाता जोड़े हुए थे। शहर के हृदय स्थल पर स्थित होने के कारण यहां आसानी से पहुंचा जा सकता था और पर्याप्त स्टाफ की तैनाती के कारण बरसों तक यहां मरीजों और उनके नाते रिश्तेदारों की रेलम पे लगी रहती थी। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते ये जगह कई महीनों से वीरान हो गया। जर्जर हो चुकी बिल्डिंग और स्टाफ की कमी के कारण ये जगह खुद बीमार सी हो गई। लोगों द्वारा उठाई जा रही भारी परेशानी को हमारे द्वारा सिटी डिस्पेंसरी के हालातों को प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे ने इसकी सूत ली है। इन दिनों सिटी डिस्पेंसरी में रंग रोगन किया जा रहा है और जहाँ जहाँ भवन को मरम्मत की जरूरत थी वहाँ भवन की मरम्मत की जा रही है। यहाँ अब अदर डॉक्टर की दरकार है जिसके पद स्थापित होने की है। एक तरफ जहाँ शहर के गांधी चौक में बरसों तक लोगों की सेहत के पहरेदार के रूप में काम करने वाली इस सिटी डिस्पेंसरी के दिन बदल रहे हैं, वहीं अब प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के नजरों के यहाँ चिकित्सा लगाने के लिए इनायत होना बाकी है। अब देखने वाली बात ये है कि भवन के सुधार और मरम्मत के बाद यहाँ अगर स्टाफ जल्द पद स्थापना की जाती है तो ये जगह जल्द लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए काम करती नजर आएगी। ये जो सिटी डिस्पेंसरी के हालात है, अब क्या हालात है? पहले ये डिस्पेंसरी भवन जर्जर था, उसके बाद इसकी मरम्मत की गई, अब इसका रंग रोपण हो रहा है। आपकी न्यूज द्वारा ही इसका पहले किया गया था प्रसारण, उसके बाद में इसकी सफाई हो रही है। अगर अब यहाँ पर एक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग हो जाए यहाँ पर मरीजों को अच्छी राहत मिल सकती है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।